सच्ची श्रेयारी, सच्ची मैं प्रसन्न हूं। मैं ये आपके आशीर्वाद से रोहिणी चिची को इतना प्यारा लल्ला हुआ है, पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की सातवें संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु, अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले ओ, तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढ तो फिर रहा हूं। पता चला तुमने सुबह से कछु ना खाए हो, चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या हो वो? हरी को बांध के बैठी हूं, जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे ना कहीं जाऊंगी ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दियो है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखा है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों ना दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। प्रभु, मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी, अब मैया यशोदा को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहां पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो। इतने विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव? ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी। आंगन खाली, आंचल खाली, सूखे उपवन के मैं माली, क्यों ना मेरे भाग में ललना, क्या मेरे घर ना पलना। विवश
यशोदा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्रीहरी तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, भरोसा रखो। लो कचो खा लो। भगवान से हट करना सही बात ना है यशोदा। भूखे प्यासे रह प्राण देने हैं क्या यशोदा? होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, जग देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। बोलो मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ, सुना आपने? मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने कृपा कर दी हम पर।
तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी चीची को बताने। अरे पर भोजन, पूर्णा मौसी जो कह देती है वो होके रहता है। अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतम देवम हंस चाणूरवर्धनम यशोदा परमा गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूं मैया। अच्छा विचित्र लग रहा है, कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार।
स्वप्न देखो। क्या वो स्वप्न वन में था? श्रीमान नारायण की मैया बनने वाली हूँ। यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है, ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमान नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा, ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना, और आज आप कह रहे हो कि श्रीमान नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे? ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूं जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था, उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने, किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है, इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा है देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे, और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे, इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी।
अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता। का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के आठवें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जी जी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में, यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी, दया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो।
दुर्जन जाओ, फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा आठवां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे वह लग रहा है कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्याधिक पीड़ा में है, वैद्य ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी आप ताई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करते मंदिर जा रहा हूं। प्रभु मैया योगमाया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योगमाया, वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे आठवें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगो जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षण सबसे शुभ घड़ी आ गई, प्रारंभ हो गया दिव्य शून्यकाल। Thank you.
श्री नारायण, हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे हैं। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा, और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहां आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं, या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान। पिताजी, पिछले जन्म में 12,000 वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ है, किंतु अभी समय कम है। यशोदा रानी की चेतना जा रही है, जे इनके प्राणों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यशोदा, आंखें खुली रखो। यशोदा, यशोदा आंखें खुली रखो। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहां आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए।
और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए मां, जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं, कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? यशोदा बस बस थोड़ी देर और धैर्य रखो, आप और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, आप और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योगमाया को जन्म दे, यशोमती हुई निधान, कोख जनी ना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है।